यूं तो दोस्तों मैंने उसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियो बना रखी हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं उन वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक के बारे में, जो कि 2013 मॉडल है। आप वीडियो में जो देख रहे हैं यही है वो बाइक जिसके बारे में हमने पहले भी आपसे पहले भी काफी सारी वीडियो डाली थी। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बाइक के बारे में कि इस बाइक का परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है 10 साल चलने के बाद में, और क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, और मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक कंप्लीट जानकारी के लिए। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं हीरो मोटर की एक ऐसी बाइक के बारे में जो कि 10 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, आज समझ सकते हैं कि 10 साल पुरानी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस बाइक के अंदर जो भी आप पार्ट देख रहे हैं वो उसे भी गाड़ी के साथ का है, मतलब जो भी कंपनी ने आपको दिया है वो उसी के साथ का रहने वाला है। और गाइस आप देख सकते हैं इसका जो ये वाइजर टूटा हुआ है ये ऐसे नहीं टूटा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी ज्यादा हैवी दी गई है, बट ये किसी कारण गिरने की वजह से, ये नीचे गिरने से बाइक टूट गया था। ताकि वैसे कोई मामला हुआ नहीं है इसके साथ में कि हाँ इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आई है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी देखिए दोस्तों ये चिपकाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और हाँ दोस्तों, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आ सकती है आपको शॉकर से लेकर आ सकती है। गाइस इसके जो शॉकर हैं ये एक बार लीकेज हो गए थे, मैंने इसको दोबारा से भरवाया था तो तब से ठीक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और हाँ टायर देख सकते हैं, टायर देखो बिल्कुल घिस चुके हैं, आप इसकी ग्रिप देख सकते हैं कितनी घुस चुकी है, बिल्कुल भी ग्रिपिंग नहीं बची है। बट ये MRF के टायर हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं MRF के टायर। और आप इसके देख सकते हैं फ्यूल टैंक को कितना मजबूत दिया गया है, अभी तक ऐसी का ऐसा ही है। आप इसके ग्लो बॉक्स को देख सकते हैं, साइड का ये पैनल देख सकते हैं, और इसका साइलेंसर भी देख सकते हैं। दोस्तों ये किसी कारण ये टूट गया था बाइक गिरने की वजह, तो ये हमने यहाँ से वेल्ड करा लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और ये इसके पीछे वाले शॉकर आज भी वैसे के वैसे हैं, हमने आज तक इनको कुछ कभी छिड़वाया नहीं है, मतलब ना ही कोई काम कराया। और आप जो ये देख रहे हैं ये जो टूट गया है दोस्तों, ये किसी वजह से टूट गया था, इसमें यहाँ चैन वगैरह लगाई थी तो इस वजह से ये टूट गया। पर ये अगर हम इसको ऐसे भी रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर हम इसको नया जैकेट लगाते हैं तो ये कभी भी ओरिजिनल नहीं मिलता है मार्केट के अंदर, हमेशा लोकली मिलता है। अगर हम हीरो मोटर से भी जाके लेंगे तो ये वाली क्वालिटी हमें नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसा है वैसा ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी टेल लाइट देख सकते हैं, साइलेंसर देख सकते हैं, सभी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। इंडिकेटर्स तो वगैरह ये सब तो टूटते ही रहते हैं, किसी ने पैर रख दिया या किसी ने हाथ ऐसे खींच दिया तो वो टूट जाता है, वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं बता दूं इसमें मेजर प्रॉब्लम कोई भी नहीं आई है अभी तक मेरे साथ में। हाँ गाइज इसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी लंबी चलती थी तो हमने इसके ऑयल का ध्यान नहीं रखा, ये हमारी गलती की वजह से हुई है। मतलब इसके इंजन के अंदर ऑयल ख़त्म होने के कारण इसके इंजन में प्रॉब्लम आ चुकी थी, जो कि हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। आप मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके इंजन में कितना खर्चा आता है और क्या क्या इसके इंजन के अंदर निकलता है वो सभी उस वीडियो के अंदर मैंने सारा बताया है, तो आप इस वीडियो को भी जाके विजिट कर सकते हैं। और गाइज जो बात मुझे पहले से मालूम नहीं थी बट अब मालूम चल गई कि इसका फ्यूल माइलेज कैसे बढ़ाया जाता है और इसकी एक्सेलेटर कहाँ से बढ़ाई जाती है, इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। ये कार्बोरेटर यहीं से इसका सभी चीज़ कंट्रोल होता है, यही एयर को आपका फिल्टर करता है और पेट्रोल और एयर को मिक्स करके इंजन के अंदर भेजता है ताकि इंजन हमारा स्टार्ट हो जाए। सॉरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है इंजन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दूर से चल कर आया हूँ। और इसका मॉडल मैं आपको दिखा दूँ, आपको यकीन नहीं आया तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका मॉडल लिखा रहता है, जैसे ये 13 लिखा हुआ है तो मतलब 13 मॉडल है। और कहीं ना कहीं इसके एलॉय व्हील पर भी लिखा रहता है दोस्तों, ये देखिए 909 मतलब सितंबर का ये है और 2013 मॉडल ये बाइक है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला है, कि लगता है कि जैसे मतलब कोई नई बाइक हो और मैं इसको पुराना बता के और इसके वाहवा लूट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हीरो मोटर की बिल्ड क्वालिटी में एक अलग ही दम है। तो गाइस आप देख सकते, थोड़ी गंदी हो रही है उसके लिए सॉरी, मैंने असल में वॉशिंग वगैरह हुई नहीं थी इसकी, कोई नहीं उसके लिए सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम इसको धुलवा कर ही वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये था इसकी जो भी बिल्ड क्वालिटी है, और इसकी चैन भी ठीक है, एक दो बार चेंज हो गई है, वो तो चेंज होती है जब तक इसकी लाइफ जितनी होती है उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कितनी कमाल की रहने वाली है ये। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी अपनी नई गाड़ी को परचेज करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, उसकी सर्विस कहाँ कहाँ बहुत आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। और मजबूती के मामले में तो हीरो मोटर ने काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रखा है मार्केट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल की बाइक बनाई है ये। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो
वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।